भारत के शहर नई दिल्ली में होने वाली साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पिशावर के बाज मोहम्मद और मोहम्मद काशिफ भी कौमी टीम का हिस्सा थे। बाज मोहम्मद ने +85 kg टीम इवेंट में तिलाई और टीम काता में कांसी, जबकि काशिफ ने -55 kg कैटेगरी और टीम इवेंट में 2 तिलाई तमगे हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी कैटेगरी में नेशनल चैंपियन भी हैं। जहन में ये था कि बस गोल्ड जीतना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आए हैं तो गोल्ड ही लेके जाएंगे। हमें सपोर्ट मिल जाए ना तो इंशाल्लाह हम, ये तो साउथ एशिया था, हम एशिया वर्ल्ड भी जाके मेडल ला सकते हैं। कौमी कराटे टीम के कोच और मुसलसल 14 साल तक नेशनल चैंपियन रहने वाले खालिद नूर अपने खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। गैर मुल्क में जाके उधर आप अच्छा परफॉर्म करो, उनके साथ सब चीज़ें आपकी मुखालिफ होती हैं और फिर भी आप जीत के आ जाओ, फिर यहाँ पे आके कोई प्रॉपर आपको अप्रिसिएशन ना मिले तो प्लेयर थोड़ा सा डिसहार्ड होता है। चैंपियनशिप में मेजबान भारत समेत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव और भूटान की टीमों ने शिरकत की। ताहम फतह का ताज पाकिस्तानी टीम के सर रहा। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप के इन फाते खिलाड़ियों ने बैन अलाकवामी सतह पर अपने मुल्क और सूबे का नाम तो रोशन किया है, तहम हुकूमती सतह पर इस कारनामे को पजीराई न मिलना यकीनन खिलाड़ियों के लिए मायूसी का सबब है। कैमरामैन असद अली के साथ इमरान यूसुफ़ज़ई, दुनिया न्यूज़, पेशावर।